दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड केवी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गेमिंग माउस जो कि अंडर रुपीज़ 1500 कैटेगरी में फ़िट होते हैं और कौन से अच्छे इनमें से। तो आज मैं आपको उनके बारे में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ इनमें से और कौन सा यहाँ पर अच्छे हैं अंडर 1500 रुपीज़ के प्राइस टैग में। तो ये तो सबसे पहला माउस है एंट स्पोर्ट्स का GM200W और ये ऑलरेडी 100% क्लेम हो चुका है और अमेज़ॉन की सेल भी चल रही है। तो मैं सोचा चलो एक बना देता हूँ एक वीडियो, एक 3 या 5 जिसमें एक मैं अच्छे गेमिंग माउस फिट कर सकूँ अंडर 1500 कैटेगरी में। तो ये है पहला माउस, काफ़ी अच्छा अगर आप एक स्टार्टिंग लेवल के गेमर हो या आपको एक गेमिंग माउस चाहिए एक अच्छे क्वालिटी का तो आप ये ले सकते हो 399 में। एक नॉर्मल माउस से एनी डे ये ज़्यादा अच्छा है और आपको थोड़ी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स भी मिल जाती है, 7 ब्रीदिंग लाइट्स, तो थोड़ा गेमिंग वाला इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा माउस है, एंट्री लेवल है लेकिन काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो नेक्स्ट माउस है वो मेरा फेवरेट है और ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। लाइफटेक का वल्कन है और इसमें आपको RGB मिल जाता है विद सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो एक लाइफटेक का ब्रांड होने के बावजूद भी जो कि इतना पॉपुलर नहीं है, आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है। वही सेंसर है जो रेड गियर के A10 या A20 में लगा है, सेम सेंसर इसमें भी यूज़ किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा माउस है। इसकी RGB इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और मेरा फेवरेट माउस है क्योंकि मैं फिर से बता दूँ ये माउस जो है लाइफटेक वल्कन ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने लिया था 700 का 2 साल पहले और अभी मिल रहा है 595 का। तो 2 साल से अच्छा चल रहा है, CSGO भी खेल चुका हूँ और सेलर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और CSGO खेल चुका हूँ और इसमें कोई भी डबल क्लिक इशू नहीं आया है। लॉजिटेक G102 की तरह कोई डबल क्लिक इशू नहीं है। मेरे पास एक लॉजिटेक का माउस था और वो लॉजिटेक का माउस नॉर्मल माउस था, गेमिंग नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें डबल क्लिक इशूज़ आने लगे थे, तो सोचो गेमिंग में क्या होता होगा। तो लेकिन ये माउस ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, CSGO जम के खेलता हूँ, ये बटन्स बहुत तगड़े दबा देता हूँ खेलते खेलते बीच बीच में, तो कोई भी इशूज़ नहीं है और काफ़ी मतलब स्टर्डी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, कहीं से भी चीप प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये वाला जो माउस है ये बिल्कुल रेकमेंडेड है, आप इसको बिल्कुल परचेस करो अगर आप का बजट इतना अभी अलाउ करता है। तो नेक्स्ट माउस है थोड़ा ब्रांडेड जिनको पसंद है और थोड़ा अच्छे क्वालिटी का माउस चाहिए, तो ये कॉर्सर का हार्पून है, RGB है। तो यहाँ पे जो ये आपको लोगो दिख रहा है कॉर्सर का, इसको आप सॉफ्टवेयर के मदद से चेंज कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू जो रखना है रख सकते हो। तो RGB गेमिंग माउस है और 6000 DPI के साथ आता है और ये अभी मिल रहा है 1400 रुपीज़ में, यानी आपको प्राइस दिख रहा है 1400 रुपीज़ जो इसकी नॉर्मल प्राइसिंग हुआ करती थी यानी सेल के पहले वो थी 1600 रुपीज़। तो अब आपको एक फ्लैट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है प्लस कार्ड वार्ड अगर आपके पास है या कुछ और ऑफर्स पड़े हैं तो आप उससे भी यहाँ पे यूज़ करके थोड़ा और डिस्काउंट ले सकते हो। लेकिन फ़िलहाल 1400 के प्राइस में जिनको ब्रांडेड माउस पसंद है कॉर्सर का और जिनको लॉजिटेक G102 नहीं चाहिए, उसके ऑल्टरनेटिव अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो कॉर्सर ही एक माउस है जो आपको यहाँ पे एक बेस्ट माउस मिल जाएगा 1200 के अराउंड, जो कि अभी 1400 पे मिल रहा है, पहले 1600 पे मिल रहा था। तो काफ़ी अच्छा माउस है, पूरा रिकमेंडेड भी है। अब जो नेक्स्ट माउस है वो है और लास्ट भी है, लॉजिटेक G102 लाइट सिंक है, गेमिंग माउस विद RGB लाइटिंग है, इसमें 6 प्रोग्रामेबल बटन्स हैं। तो ये माउस काफ़ी अच्छा है, मतलब बिल्ड क्वालिटी और वैसे तो काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें बहुत डबल क्लिक इश्यूज आते हैं और ये लॉजिटेक वालों को भी पता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, प्राइसिंग 1100 है, कोई डील तो नहीं चल रही लेकिन ठीक ठाक है प्राइसिंग और ये सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन नहीं है। इसमें वाइट में शायद डील रहेगी, पहले वाइट में डील थी जो लास्ट सेल थी, अभी ब्लैक में डील है तो डील तो नहीं है लेकिन प्राइस काफ़ी सही है, नॉर्मल सा प्राइस है। और अगर आपको लेना है कॉर्सर से सस्ता चाहिए लेकिन थोड़ा ब्रांडेड में चाहिए तो लॉजिटेक ले सकते हो, डबल क्लिक इशू भी आ सकता है। लेकिन जो फीडबैक मिला है बहुत सारे यूज़र्स से तो उनने ये बोला है कि RMA वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्यों RMA करवाना है, क्योंकि उनको भी पता है कि डबल क्लिक इशू G102 में प्रेजेंट है, इसलिए अगर आप लक्की हुए तो आपके माउस को कुछ नहीं होगा और अगर लक्की नहीं हुए तो आपको RMA करवाना पड़ेगा या कभी कभी 5-6 महीने में भी डबल क्लिक इशू आ सकता है। तो ये तो थे कुछ बेस्ट रेकमेंडेड गेमिंग माउस अंडर रुपीज़ 1500 कैटेगरी में, जिसमें ब्रांडेड भी है और
थोड़े नॉन ब्रांडेड भी है जो पॉपुलर नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। जैसा कि ये मेरा लाइफ टेक का हो गया, मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं आँख बंद करके आपको बोलूँगा रेकमेंडेड है, इसको ले लो। काफ़ी अच्छा माउस है और RGB भी बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। और जो भी इन सभी प्रोडक्ट्स के, यानी जो भी गेमिंग माउस मैंने आपको आज की इस वीडियो में दिखाया है, अगर आपको वो परचेस करना है तो नीचे मैं अमेज़ॉन के लिंक्स दे रहा हूँ। अगर आप उस लिंक्स को लेके कोई भी गेमिंग माउस परचेस करते हो, जो भी मैंने दिखाया कोई भी, तो चैनल को बहुत यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपको और भी फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ ला पाऊँगा। तो चैनल को अगर सपोर्ट करना है तो नीचे जो लिंक है वही लिंक यूज़ करके आप खरीद सकते हो, अगर चैनल को हेल्प करना है तो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है, PC रिलेटेड कंटेंट देखना है, तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।